तो आज की वीडियो में ना मैं बताता हूँ कि इसको यानी मिनी कंबाइन हार्वेस्टर जो कि ट्रैक्टर माउंटेड हार्वेस्टर भी बोला जाता है, इसको चलाया कैसे जाता है, कैसे ऑपरेट किया जाता है, यानी आपको गेहूँ काटना है तो कैसे आप चला सकते हैं, इस वीडियो में आपको बताऊँगा। इससे बहुत आसानी तरीके से आप इसे ड्राइव कर सकते हैं, जैसे आपको ट्रैक्टर चलाना आता है तो सेम वही प्रोसेस है पे जैसे आप आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो लीवर है आपके, एक लो हाई बीच में न्यूट्रल वाला लीवर है, देखिए बीच में न्यूट्रल है, बाकी एक ये वाली बड़ी वाली लीवर है, तो इसमें रिटर्न 1 2 3 4। और इधर जो है ना दो आपके लीवर है, यानी एक जो गिरा है एक गियर है आपका इसको चलाने के लिए कटर को, और एक जो है यानी इसके अंदर जो माल है आपका गेहूँ है गेहूँ को गिराने के लिए, बाकी एक दो लीवर आपके हैं, एक है भूसे के लिए जैसे कूड़ आपको निकालना है तो उसके लिए जैसे प्रेस करेंगे तो आपको उठ जाएगा, और एक लीवर है आपको कटर को अप डाउन करने के लिए। तो चलिए मैं बताता हूँ उसे कैसे आसानी से चलाया जाता है। चलिए गाड़ी हमेशा लो में चलती है, जैसे देखिए इसको प्रेस किए हैं तो आगे का कटर उठ गया है। अब रिटर्न लगाएंगे रिवर्स गियर तो रिवर्स में चल रही है, अब उधर से जो है पीटी वाली गियर देखिए, यहाँ पे पीटी वाली गियर है, पीली वाली पीटी गियर लग चुकी है, अब जो है एक नंबर किलो में 1500 आरपीएम गेहूँ गिर रहा है। बहुत ही आसान होता है इसे चलाना, जो ड्राइवर ट्रैक्टर चला लेता है वो ड्राइवर इसे बहुत आसानी से इसे ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, जैसे इस लीवर को मैं प्रेस करूँगा ना, देखिए इस समय अगर आगे प्रेस करूँगा तो गिरेगा कटर, अगर मैं ऊपर प्रेस करूँगा तो आपका कटर देखिए उठना स्टार्ट हो गया है, अगर इसको आगे प्रेस करेंगे तो कटर गिरना स्टार्ट हो जाएगा, और ये वाला दूसरा वाला जो है भूसा यानी सूर गिराता है। जैसे ही चलना स्टार्ट हो जाता है ना, पीछे से इतना ज़्यादा भूसा आता है भाई साहब, इतना ज़्यादा धूल डस्ट आता है, बस इसी धूल और डस्ट से लोग डरते हैं। जैसे देखिए ड्राइवर साहब के सर में इतना ज़्यादा भूसा हुआ है, बस इतना ही। यानी ट्रैक्टर वाले हार्वेस्टर को कैसे चलाया जाता है उसको देखें आप लोगों ने। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।